यह पांच चीजें कीजिए, आपका बिजनेस 10 गुना एक दो साल में बढ़ जाएगा। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग मेरे पास में आते रहते, उनको कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं, टेंशन रहता है, बिजनेस का टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहते हैं, और फिर बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनको क्या मैं बोलते रहता हूँ। लोगों का बिजनेस बढ़ाने का जो है वो एक्चुअली 80% जो है वो है साइकोलॉजी बिजनेस में, और 20% जो है वो मैकेनिक्स है। दूसरी तरह और ये बोला जाता है कि बिजनेस में बढ़ाने का है या कोई भी कुछ भी आप काम करते हैं तो 85% इज योर एटीट्यूड एंड 15% इज योर नॉलेज। तो नॉलेज जो है सिर्फ 15% का काम करता है। कहने का मतलब ये कि माइंड सेट जो है, सोच, वो बहुत महत्व की है, और सोच आपको डायरेक्शन देंगी, और सोच आपको एक बार आपने बना लिया और वो डायरेक्शन दे रही है तो फिर बिजनेस बढ़ाना आसान हो जाएगा। पांच चीजें कौन सी है? नंबर एक, आपके टीम का विकास होना जरूरी है, टीम बिल्डिंग। एक्चुअली मैं बोलता हूं कि आप बिजनेस आपको बढ़ाने का है तो आप टीम बढ़ाओ। सो बिल्डिंग द बिजनेस एक्चुअली में बिल्डिंग द टीम है। टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टीम का बढ़ाना, टीम के ऊपर टाइम खर्चा करना और टीम को एक अलग लेवल पे ले जाना बहुत जरूरी होता है धंधा बढ़ाने के लिए। नंबर एक, टीम का विकास। नंबर दो, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपके पास में तैयार है क्या? मतलब एक फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसमें कुछ गड्ढा पड़ जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको तुरंत टेकओवर करने के लिए नीचे का सेकंड लेवल का आदमी फर्स्ट लेवल पे आ सकता है क्या? तो सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप आपके पास में तैयार है क्या, या आप नहीं है तो आपकी जगह लेने के लिए और कोई तैयार है क्या? पहली लेवल जो उसका कोई निकल गया तो उसकी जगह लेने को तैयार है क्या? मतलब आपके पास में बेंच स्ट्रेंथ काफी है, और बेंच स्ट्रेंथ जब है तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। काफी लोग काम में आ जाते हैं और धंधा रुकता नहीं। नंबर तीन जो है वो प्रत्येक कार्य और विभाग, हर डिपार्टमेंट और हर काम जो है उसके लिए कोई सिस्टम बनाई हुई है, कार्य प्रणाली वहाँ हमने बनाई हुई है कि हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कार्य प्रणाली है कि वो वहीं से चलेगा, उसके लिए ये नियम लागू है और वो लागू जो नियम है वहीं से वो चलेगा, वो है क्या? नंबर चार, क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, क्या निर्धारण किया हुआ है कि कौन सी पॉलिसीज हम काम करेंगे, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, कौन सा निर्धारण हमने किया हुआ है हमारे बिजनेस में, वो आपको देखना पड़ेगा। और पांचवा जो है कि विकास की रणनीति कौन सी है, आपको ग्रोथ डेवलपमेंट करने का है तो आपके पास में क्या व्यूहरचना आपने की है, क्या आपने प्लानिंग बनाया हुआ है, और आगे 5 साल का आपके पास में प्लानिंग है क्या? यदि आपके पास में 5 साल का प्लानिंग है और आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाने का है तो डेफिनेटली आप फटाफट एक्शन लेंगे और वो हिसाब से आप टीम बिल्डिंग करेंगे, वो हिसाब से आप सिस्टम्स ऑपरेशंस सब तैयार करेंगे ताकि 5 साल का गोल आपका हासिल हो जाएगा। तो यह आप यदि करते हैं तो बिजनेस आसानी से एक दो साल के अंदर बहुत ज़्यादा मायने में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हर बिजनेसमैन को ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।